हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा। शांतिपूर्ण तरीके से लिखित परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण की गई। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल पदों के लिए विज्ञापित 13,142 पदों के लिए शनिवार और रविवार को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की। प्रदेश भर में परीक्षा की तैयारी की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना देकर परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि निर्बाध रूप से ये परीक्षा संपन्न करने के लिए ऊंचे स्तर पर सुरक्षा प्रबंध की गई हैं। बैठक में प्रदेश के सभी रेंज प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक गण के संबंधित रेंज से परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अतिरिक्त महानिदेशक श्री राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में गड़बड़ी का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निगरानी रखी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और दूसरी बात, ये जो जिन स्थानों में ये है परीक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा वही स्थान इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, ना कि पूरा प्रदेश। जहाँ जहाँ हमारी परीक्षा उनमें जो स्थानीय पुलिस अधीक्षक हैं उनको ये निर्णय करना है कि क्या इस तरह की आवश्यकता है। बाकी हमारी तरफ से हम अन्य प्रयास भी हम कर रहे हैं कि वहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल आदि का इस्तेमाल नहीं हो पाए, और जैसा हमने निर्देशों में भी दिया है सभी अभ्यर्थियों को कि किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ लाना वर्जित है। परीक्षा कराने में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो और कोई भी इसको किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके, उसके लिए जो कदम उचित समझा जा रहा है उठाया जा रहा है। पुलिस द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों में कुछ कार्रवाई की गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिससे यह चीज़ उभर के आई है कि कई आपराधिक तत्वों द्वारा परीक्षा में मदद के नाम पर अभ्यर्थियों को बहका के अभ्यर्थियों को झांसे में लिया जाने की कोशिश की जा रही है। दो तीन स्थानों में इस तरह की बात सामने आई है कि परीक्षा में पास कराने, नकल कराने या परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर कई अभ्यर्थियों को संपर्क किया जाकर उनसे कोई रकम मांगी जाकर और उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि वह इस प्रक्रिया में सफल हो सकते हैं उनके माध्यम से। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि इस तरह के लोगों से बचें, अभ्यर्थी इस तरह के अफवाहों से, इस तरह के लोगों से बचें, क्योंकि इस तरह के 3-4 जो सक्रिय गैंग थे उनको ऑलरेडी हमने इसमें पकड़ा है और किसी भी प्रकरण में यह बात सामने नहीं आई कि उनके पास ऐसी कोई सामग्री थी या ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो अभ्यर्थियों को जिस तरह की मदद की बात कह रहे थे वो कर सकते। तो इससे यह स्पष्ट है कि संख्या क्योंकि अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग, कुछ गैंग, कुछ अपराधी तत्व यह प्रयास कर रहे हैं कि मौके का फ़ायदा उठाकर और भोले भाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास होने का लालच देकर उनसे कोई रकम वसूल कर ली जाए। तो कृपया इस तरह की लोगों से दूर रहें, अपनी तैयारी के साथ समय पर परीक्षा के लिए जाएं और पुलिस द्वारा लगातार इस तरह के असामाजिक तत्वों पर नज़र भी रखी जा रही है। परीक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्थाएं और जो वहां पर सेंटर पे जो भी इंतजाम करने हैं वो कर लिए जा चुके हैं। परीक्षार्थियों को एक शहर से भी काफ़ी विस्तृत रूप से हमने भेजे हैं और वक्त वक्त पे आप लोगों के माध्यम से उनको सूचित भी कराया गया है कि वे अपने साधारण वस्त्रों में आए, कोई फैंसी एक्सेसरीज, बड़े बटन, बड़े जूड़े, बड़े कंगन वगैरह ना पहन के आए, क्योंकि उन सब में पुलिस का एक्सपीरियंस है कि उसमें कई तरह के डिवाइसेस लोग छुपा के लाते हैं जो चीटिंग में काम करते हैं। तो सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया उन महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ें और उनको फॉलो करें।
जूते चप्पल पहन के, सिंपल जूते चप्पल पहन के आने के लिए कहा गया है, और जूते चप्पल कक्षा के बाहर खुलवाए जाएंगे जिससे कि उनको असुविधा नहीं हो, सेंटर से कमरे तक आराम से पहुँचें, सिर्फ कक्ष के बाहर जूते उतार के, जूते चप्पल जो भी पहन के आएंगे। ये लोगों को कुछ असुविधा होगी, बट अब आजकल की कार्रवाई को देखते हुए नेसेसरी हो रहा है कि हम इस तरह के स्टेप्स लें। हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अब जितने भी हम लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने स्टेट में और अन्य स्टेट्स में भी, उनको काउंटर करने की हमने पूर्ण व्यवस्था की है, तथा अभ्यर्थियों से यही निवेदन है कि ठगी और जालसाजी का शिकार ना बने, अपनी तैयारी से आए और पुलिस विभाग में उनका स्वागत है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।